ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं योगा के कुछ आसन, जिसको आपको ये आसन देखने हैं और ये आसन को अच्छे से करना है। ये सब आसन को ध्यान से देखिए, उसके फायदे भी देखिए, उसकी सावधानी भी देखिए और ये आसन आप कीजिए घर पे। तो आइए जानते हैं अगले आसन के बारे में, जिसका नाम है पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन दो शब्द मिलकर बना है। पश्चिम का अर्थ होता है पीछे और उत्तान का अर्थ होता है तानना। इस आसन के दौरान रीढ़ की हड्डी के साथ शरीर का पिछला भाग तन जाता है, जिसके कारण इसका नाम पश्चिम उत्तानासन दिया गया है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारक आसन है। यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं इसके फायदे के बारे में। तो पश्चिम उत्तानासन जो आसन है, वो करने से हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती है वो मजबूत होती है, हमारा जो मोटापा है वो कम होता है, हमारे पेट की जो मांसपेशियां है वो इसके नियमित अभ्यास से बहुत ही मजबूत हो जाती है और हमारी त्वचा के रंगों में निखार आ जाता है। जिस किसी को भी पथरी का प्रॉब्लम है उनको ये आसन अवश्य करना चाहिए, काफी फायदेमंद रहेगा। जिस किसी को भी नींद की समस्या है, रात को नींद नहीं आती है, उनको भी आसन जरूर से करना चाहिए, बहुत ही फायदा मिलेगा। और जिस किसी को पेट की तकलीफ होती है तो ये पेट के लिए, कोई भी समस्या हो, पेट में दर्द होता हो, तो उसमें भी ये फायदेमंद है। तो आइए जानते हैं उसकी सावधानी के बारे में। जिस किसी को भी अल्सर की तकलीफ हो वो ये आसन ना करें, और ये आसन खाली पेट ही करना चाहिए। ये आसन करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल आराम से करना चाहिए, और इस आसन को झटके से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आराम से करना चाहिए। और हमारे आंत में अगर सूजन हो तो फिर ये आसन बिल्कुल ही ना करें। कमर में तकलीफ हो तो भी इसका अभ्यास ना करें। तो आइए जानते हैं हमारे अगले आसन, जिसका नाम है गौमुखासन। गौमुखासन को संस्कृत में गौमुख का अर्थ होता है गाय का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी हो जाती है, मतलब जो गाय का जो मुख होता है के जैसे दिखता है, इसलिए इसे गौमुखासन कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में काउ फेस पोज भी कहा जाता है। यह महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है। यह गठिया, साइटिका, अपचन, कब्ज, मधुमेह, कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत फायदेमंद है। तो आइए जानते हैं इसकी सावधानी के बारे में। हाथ पैर में ज्यादा दर्द होने पर यह आसन ना करें। रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर समस्या हो तो भी यह आसन से बचें। पीठ के पीछे जब हम हाथ को बंधते हैं उसमें जो परेशानी हो रही है उसमें आप जबरदस्ती ना करें, जितना होता है उतना ही करें। घुटनों में दर्द है तो भी ये आसन से आप बचें, इसका अभ्यास ना करें। तो आइए चलते हैं हमारे अगले आसन की ओर, जिसका नाम है वक्रासन। वक्रासन बैठकर किए जाने वाला आसनों में एक महत्वपूर्ण आसन है। वक्रासन वक्र शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है टेढ़ा। इस आसन में रीढ़ की टेढ़ी या मुड़ी हुई होती, इसलिए इसका यह नाम वक्रासन रखा है। यह आसन रीढ़ की सक्रियता को बढ़ाता है, मधुमेह से आपको बचाता है, डिप्रेशन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो आइए जानते हैं वक्रासन के फायदे के बारे में। जिस किसी को भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है उसके लिए ये वक्रासन जो है वो बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। मधुमेह को रोकने के लिए वक्रासन अति उत्तम है। जिसको ज्यादा वेट, जिसका वजन ज्यादा हो गया हो, उसको कम करने के लिए वक्रासन जरूर से करें। रीढ़ की हड्डियों के लिए रामबाण आसन है ये। कमर दर्द से छुटकारा दिलाता है वक्रासन। वक्रासन जिसको कब्ज की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। पाचन क्रिया को सक्रिय करने के लिए भी वक्रासन किया जाता है और गर्दन या पीठ के दर्द में भी बहुत ही लाभकारी है। आइए जानते हैं उसकी सावधानी के बारे में। जिस किसी को भी पेट में दर्द हो वक्रासन नहीं करना चाहिए। घुटनों में दर्द हो तो भी वक्रासन नहीं करना चाहिए। कमर दर्द हो तो भी वक्रासन से बचना चाहिए। कोहनी में दर्द हो तो भी यह आसन नहीं करना चाहिए। गर्दन में कोई मरोड़ हो तो भी यह आसन नहीं करना चाहिए। तो आइए चलते हैं हमारे अगले आसन की ओर, जिसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन करने से ढेरों सारे फायदे मिल सकते हैं, जिनके प्रयोग से वह स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं। ऐसा करने से मनुष्य को एक आम और गंभीर बीमारी जैसे कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या ठीक हो सकती है। तो आइए जानते हैं भुजंगासन क्या है, भुजंगासन कैसे करें, भुजंगासन के फायदे। भुजंगासन शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जो भुजंग से लिया गया, जिसका मतलब होता है सर्प। यानी यह एक ऐसी आकृति होती है जिसमें शरीर सांप की भांति फन उठाए हुए भुजंग की तरह दिखती है। यह आसन सूर्य नमस्कार के 12वें आसन में से
आठवां है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे कोबरा पोज, भुजंगासन और सर्पासन के नाम से भी जाना जाता है। इस आसन में शरीर को जमीन पर लेटकर और पीठ को झुकाकर बनाया जाता है, जो देखने पर एक सांप की मुद्रा जैसा लगता है। भुजंगासन के फायदे देख लेते हैं। भुजंगासन करने से रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ता है, जिससे यह मजबूत और लचीली हो जाती है, जो इसको मजबूत बनाता है और कमर दर्द से राहत दिलाता है। पेट से संबंधित समस्याएं दूर करता है और फुर्ती का संचार करता है। गर्दन, कमर और कंधों को मजबूती देता है, जो किसी स्वस्थ व्यक्ति को मजबूती देने के लिए काफी लाभदायक है। इस आसन में श्वास की गति में सुधार होता है और श्वसन संबंधित रोग ठीक हो जाते हैं, तो ये जरूर से आसन कीजिए। तो देख लेते हैं उसकी सावधानियों की तरफ। किसी अन्य प्रकार की शारीरिक सर्जरी हुई हो तो उन्हें भुजंगासन नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखें। और जिस किसी को भी हार्निया की प्रॉब्लम है तो वो भी ये आसन से बचे। तो आइए चलते हैं हमारे अगले आसन की ओर, जिसका नाम है नौकासन। नौकासन पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों में एक महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन को नौकासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एक नाव की तरह होता है। इसको नावासन के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अद्भुत फायदे हैं। यह पेट की चर्बी को कम करने में बहुत ही फायदेमंद है। यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और साथ ही साथ सिर से लेकर पैर की उंगली तक का फायदा पहुंचाता है। इसके जितने भी लाभ गिनाए जाए कम है, इसलिए चाहिए कि हर योग साधक नियमित रूप से इस योगासन का प्रैक्टिस करें। आइए जानते हैं उसकी सावधानियों के बारे में। जब कमर में दर्द होता है तो ये आसन आप ना करें। किसी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो, बैक पेन हो, तो ये आसन से बचे। तो ये थे हमारे योगासन। ये आसन को आप अच्छे से देखिए, ये आसन को आप अच्छे से कीजिए। जैसे कि हमने बताया, इसकी सावधानी भी है, उसको आपको ध्यान में रखना है। और ये आसन जब भी आप करें, आपके पेरेंट्स के साथ रह के करिए, और इसके बेनिफिट भी जो है वो भी आप देखिए। थैंक यू।